Hi, Assalamualaikum. My name is Ali Islafran Yas. और हम लोग फाइनली दादर पहुंच गए हैं और अभी चर्च कट जा रहे हैं और वहाँ रिपब्लिक डे के लोगों से बैठ लेंगे. लोग क्या रिएक्ट करते इस बात पर? गाइस मेरे साथ है विठल दादा. विठल दादा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू. 26 जनवरी, आई लव यू दादा, आई लव यू. 26 जनवरी की आपको शुभकामनाएं. मैं पिछले 25-26 साल से कहाँ धंधा पानी कर रहा हूँ. 25 हाँ, मेरा जन्म स्थान ही है कुलावा. इस तरह मैं कुलावा यही स्कूल पढ़ा हूँ. ऐसा सब दस लेते. थैंक यू, थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच. मेरे साथ थे राजेश कुमार दास सर, जो 10 साल से स्टिल फोटोग्राफर का काम करते हैं. और मेरी तरफ से आपको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं सर. वेरी नाइस सर, आपके लिए. तो सर कुछ कहना चाहेंगे आपके बारे में ऑडियंस को? मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ गेट ऑफ इंडिया में फोटोग्राफी ट्रीज के लिए. पब्लिकों का फोटो देते हैं तो हमको पैसा देते हैं. क्या बात है, हमारे लिए भगवान है. पब्लिक आते हैं तो हम लोग फोटो खींचते हैं, उसी से पैसा लेते हैं और हम लोग घर परिवार चलाते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. और ये आपका कैमरा है सर, ये आपकी रोजी रोटी है? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर. सो गाइस मेरे साथ है हेमंत दास सर, जिनका रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था 2013 में करण जौहर के साथ मिशन सपने प्रोजेक्ट के लिए. तो सर आपके लिए और उस वीडियो के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? सर हमारे बहुत तकलीफ था बच्चे लोग का, हमारा भी कुछ और घर संसार के लिए वो बहुत सारा पैसे मतलब कर्जे में था. बहुत 8,60,000 रुपया कर्ज हो चुका था. और उन्हें आया करण जौहर का कुछ आदमी आया, मुझे पूछा बोला आपका क्या तकलीफ है. और दोस्तों लोग को पूछा बोला हाँ, उसको पेपर वगैरह जमा किया. और उन्हें करण जौहर साहब ने आकर तो मेरे को कैमरा ने दिन भर चलाया और उससे 4,500 रुपया बिजनेस किया वो मिला कर को. करण जोहर सर ने आपके कैमरे से बिजनेस किया? जी सर. क्या बात है यार, करको गेट ऑफ इंडिया में और काम किया और इस कैमरा चला कर को और वो पैसे ने और मिला कर को मुझे मदद किया. 3,26,900 रुपया मुझे चेक मिला, बहुत सारे कर्जे वाले को दे दिया, कुछ बाकी रह गया है. इसके लिए करण जोहर साहब का मैं जब तक जिंदा रहूँगा दुआ देते रहूँगा. बाल बच्चे भी दुआ देते रहते हैं, हम भी देते रहता हूँ. लेकिन एक बार और चांस अगर मिल जाए तो जो बाकी वाला है तो उन लोग कर्ज को चुकती कर दूँ. क्या बात है, क्या बात है. तो करण जोहर सर ने आपकी इतनी हेल्प की? जी बहुत हेल्प किए हैं सर, वो हेल्प किए हैं. और एक बार और चांस मिल जाता मुझे तो जितने वो बाकी कर्जा है सबको दे देता हूँ. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. मैं करण जोहर सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार इधर आइए और यहाँ पर जो तकलीफ़ में लोग हैं स्टिल फोटोग्राफर मेरे दोस्त लोग, उनकी हेल्प कीजिए. यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, हम लोग बताते हैं गेट, ये है गेट ऑफ इंडिया नया ताज है, ये है ओल्ड ताज है. और पानी में भी और रोन मारने के लिए 60 रुपया है. एलिफेंटा जाने आने के लिए 180 रुपया है. जाने का भी आने का बताते हैं और सब लोगों का पूछते हैं कि फ़ोटो खिंचवा लीजिए सर जी. फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और खिंचवा कर तो हम मुझे पैसे भी मिलता है.
उससे संसार चला लेते हैं, इसी तरह से हम चलाते रहते हैं संसार को और सब आदमी को बताते हैं वो एलिफेंटा इधर है, जूहू चौपाटी यहाँ से जाने पड़ेगा बाहर और हैंगिंग गार्डन किधर पड़ता है बता देते हैं। क्या बात सर, जा कर को आप जाइए नरमन पॉइंट को, कहता है ओबरा किधर है, कहिए चर्च के बाजू में है, सिद्धि बिना किधर है, कहिए लक्ष्मी महालक्ष्मी के बगल में है। अच्छा, सब अच्छा। बताते हैं सर जी, और जितने आते हैं सब टूरिस्ट भूल जाते हैं, बच्चे लोग अगर भूल जाते हैं पुलिस जाकर को हम लोग देते हैं यहाँ पर जमा करते हैं, वो प्रशासन ने फोन करता है उसका माता पिता जाकर को लेते हैं, कोई पानी में कोई पानी में डूब जाने के बाद में हम लोग जितने फोटोग्राफर देखते हैं और वो उसको बचाते भी है, प्रशासन को देते हैं, हम लोग को जाकर को बोलता है सबको देखने के लिए भी प्रशासन बोले हैं आप देखिएगा, और हम लोग भी हैं, हम लोग कितने बार बचाए भी हैं, कितने बार सेल्फी लेते हुए गिर चुके, सेल्फी खींचते वक्त लोग गिर चुके हैं, गिर चुके थे, एक तो लेडीज़ ने गिर चुका था, उसके बाद में कमांडो साहब यहाँ रहते हैं झाड़ के नीचे, हम लोग बोले कि एक लेडीज़ ने गिर गया, उन लोग गया जाकर को निकालें, हम लोग भी मिलजुल के निकालें, लॉन्च वाले को बोले, लॉन्च वाला जाकर को निकाला एक नंबर गेट से जाकर को देते हैं, और हम लोग सहयोग करते रहते हैं, जिन्हें बच्चे लोग भी छूट जाते हैं छोटे बड़े उन लोग भी जाकर को देते हैं, और हम लोग फोटोग्राफी अच्छे ढंग से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, सर आपने इतना सब बोल दिया, आपके जज्बात को मैं सलूट करता हूँ सर। जय हिंद सर, जय हिंद, लव यू सर, लव यू, लव यू वेरी मच सर, आई लव यू सर, आई लव यू। तो गाइस मेरे साथ ये सर जो 25 साल से यहाँ पे काम करते हैं, स्टिल फोटोग्राफर का काम करते हैं, इनकी रोजी रोटी है, और इनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई थी जस्ट अभी, तो गाइस आपको दिल से सलूट सर, थैंक यू वेरी मच सर। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने वीडियो शूट कर लिया है, और आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चर्चगेट स्टेशन पर और यहाँ से सीधा घर जाऊँगा, तो विश यू हैप्पी रिपब्लिक डे, लव यू टू ऑल,